रणवीर सिंह स्टारर फिल्म जयेश भाई जोरदार को लगा बॉक्स ऑफिस पर जोरदार झटका। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुई कि मेकर्स ने दे डाली फिल्म एग्जीब्यूटर को सख्त ऑर्डर। कहा अगर एग्जीब्यूटर ने नहीं मानी उनकी बात तो भुगतना पड़ेगा ये अंजाम। वेल, क्या है ये पूरा मामला जानने के लिए देखें फर्स्ट इंडिया फिल्मी की ये रिपोर्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकिता गुप्ता और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया फिल्मी। वेल, रणवीर सिंह स्टारर फिल्म जयेश भाई जोरदार सिनेमाघरों में 13 मई को रिलीज हो चुकी है और जब से ही ये फिल्म रिलीज हुई है तब से ही लोगों से इसे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म इतना कमाल नहीं कर पा रही है। हालांकि जब मीडिया रिपोर्ट्स आया तो उसे देखने के बाद हर कोई शॉक हो गया, खास करके इंडस्ट्री के और ट्रेड के लोग, क्योंकि इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 3 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। वहीं कहा जा रहा है कि आने वाले हफ्तों में ये फिल्म 11 से 12 करोड़ रुपए का बिजनेस कर सकती है। और ये खबर अभी चल ही रही थी कि इस बीच एक बड़ी खबर आई और खबर ये है कि जयेश भाई जोरदार जिस तरह से फ्लॉप हो रही है उसे देखते हुए फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि यशराज फिल्म्स ने एक बड़ा फैसला लिया है और वो फैसला कुछ और नहीं बल्कि फिल्म के एग्जीब्यूटर को लेकर है। दरअसल बॉलीवुड हंगामा के एक सूत्र ने दावा किया है कि जिस तरह से जयेश भाई जोरदार वीकडेज में इतना शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाई है उसे देखते हुए फिल्म के एग्जीब्यूटर ने यह फैसला किया है कि इस फिल्म के शो को उन फिल्मों से रिप्लेस किया जाए जो कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इनमें KGF चैप्टर 2, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और कई मराठी, पंजाबी और गुजराती फिल्म के नाम शामिल हैं। ऐसे में जयेश भाई जोरदार को लेकर एग्जीब्यूटर्स ने यह फैसला लिया ही था। इस बीच जयेश भाई जोरदार के जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं यानी कि YRF, उन्होंने उनको एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे दिया है। YRF ने थिएटर वालों से ये स्पेसिफिकली कहा है कि वो इंश्योर करे कि जयेश भाई जोरदार के जो भी शोज हैं वो अच्छे खासे नंबर्स में हों। इस पर तर्क देते हुए फिल्म के एग्जीब्यूटर ने कहा कि ये फिल्म उन्हें इतना कमाई नहीं करके देने वाली क्योंकि जब ये फिल्म वीकडेज पर इतनी नहीं चली तो वीकेंड्स पर कैसे चलेगी। हालांकि YRF ने एग्जीब्यूटर्स की एक बात नहीं सुनी, यहाँ तक कि YRF ने यह भी कह दिया कि जयेश भाई जोरदार के जो भी शोज हैं वो उसे प्राइम टाइम में रखें। सूत्रों ने यह दावा किया है कि एग्जीब्यूटर को आखिरकार YRF की बात माननी पड़ी क्योंकि वो YRF से पंगा नहीं लेना चाहते। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि आने वाले दिनों में पृथ्वीराज जो कि अक्षय कुमार स्टारर फिल्म है और वहीं शमशेरा जिसमें रणबीर कपूर नजर आएंगे ये रिलीज होने वाली है। ऐसे में इन दोनों ही फिल्म्स के चलते एग्जीब्यूटर्स नुकसान का सौदा नहीं करना चाहते। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि अगले साल YRF की दो और भी बड़ी फिल्में आने वाली हैं जिसमें शाहरुख खान की फिल्म पठान और सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 शामिल है। ऐसे में एग्जीब्यूटर्स कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। इन तमाम बड़ी वजहों के चलते एग्जीब्यूटर ने यह फैसला किया है कि वो YRF की बात को मान लेंगे। एग्जीब्यूटर्स का कहना है कि वो जयेश भाई जोरदार को इस हफ्ते अपने सिनेमाघरों में प्ले करेंगे ताकि आने वाले दिनों में जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं वो उनके हाथों से ना जाए। इतना ही नहीं, बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए एक एग्जीब्यूटर ने कहा कि अगर उसे खुली छूट दी होती तो वो सोमवार से जयेश भाई जोरदार के सिर्फ एक शो को ही जगह देता। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे बताया कि YRF ने एक की जगह उनसे 3 शोज रन करने की बात कही है। इस एग्जीब्यूटर के मुताबिक उनको इसके चलते काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अगर वो चाहते तो वो इसके जगह पर KGF चैप्टर 2 और जो तमाम रीजनल फिल्में हैं उसे जयेश भाई जोरदार की जगह पर रिप्लेस करके उसे जगह देते हैं। लेकिन जिस तरह से बॉलीवुड के ये बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स मांग कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है उसके चलते वो मजबूर हैं। इतना ही नहीं, इस एग्जीब्यूटर ने ये भी कहा कि 2 हफ्ते पहले ही हीरोपंती 2 भी बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। ऐसे में हमने फैसला किया था कि हम इस फिल्म के एक ही शो को रन करेंगे और इस पर जो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्होंने भी हामी भरी थी। वेल, जहां एक तरफ कुछ एग्जीब्यूटर ये कह रहे हैं कि YRF ने ये ऑर्डर पास किया है कि उनकी फिल्म को थिएटर्स में ज्यादा से ज्यादा रन किया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि YRF की तरफ से उन्हें इस तरह का ऑर्डर नहीं मिला है। ऐसे में कई लोग अभी भी इस फिल्म को चला रहे हैं तो कई लोग इस फिल्म को रन करना बंद कर दिए हैं। ऐसे में जिस तरह से YRF ने इन एग्जीब्यूटर को ये ऑर्डर पास किया है उस पर आपकी क्या राय है हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़े हर एक लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड रहने के लिए फर्स्ट इंडिया फिल्मी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।